नमस्कार, आज मैं बात करूंगी कि कुछ लोग ये बात कहते हैं, शायद आप लोगों ने भी कभी सुना होगा कि माँ नहीं तो मायका नहीं, या कभी किसी की माँ नहीं है तो ऐसा मन में भाव आ जाता है कि माँ नहीं है तो मायके में क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। और वो मैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं जब 15-16 साल की उम्र की थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, उसी समय मेरी माँ गुजर गई थी और उसके बाद मेरी शादी हुई और माँ नहीं है लेकिन मायका अच्छे से है। और उसके साथ आपको क्या करना है, आप किस तरह से आप अपने मायके को मायका बना के रखिए, क्योंकि माँ और पिता किसी के भी जीवन भर नहीं रहते हैं, सारी उम्र नहीं रहते हैं, ये सभी को पता है। तो इसलिए हमारे भाई बहन हैं जो हम बचपन में साथ में रहते हैं, तो भाई बहन सब साथ में रहते हैं, खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं, एक ही माँ के सब बच्चे होते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, और खूब अच्छे से मायके में रहते हैं। लेकिन शादी होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि मन बदल जाते हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दूरियां मत बढ़ने दें, कोशिश करें कि दूरियां ना बढ़ें, आप और हम दोनों ही मिलें और ऐसा कुछ व्यवहार करें आपस में, ऐसी बातचीत करें, इस तरह से रहें कि जैसा बचपन में रहते थे। कोशिशें करें, कोई ज़्यादा करे, यदि कोई थोड़ी करता है तो कोई दूसरा ज़्यादा कर ले, लेकिन ये बात सही नहीं है कि माँ नहीं तो मायका। माँ यदि मेरी इतनी छोटी उम्र में चली गई और फिर मेरी शादी हुई, भाइयों ने ही की, पिता हैं, पिता ने भी की, तो सबने मिल के किया, और उसके बाद अगर हम ये कह दें कि माँ नहीं मायका नहीं, अरे भाई भतीजों से ही तो मायका होता है। पहले के ज़माने में आप देखिए, किसी के माँ पिता कभी भी बेटी बेटियों के ससुराल नहीं जाते थे, वहाँ का पानी भी नहीं पीते थे, वहाँ खाते पीते नहीं थे। लेकिन आज का समय थोड़ा चेंज हो गया, लोग जाने आने लगे, वो सब ठीक है, लेकिन पहले तो भाई भतीजों से ही मायका होता था। जब भाई आते थे और भतीजे ही आते थे, कुछ भी ससुराल में प्रयोजन होता था या कोई फंक्शन होता था, शादी ब्याह होता था, तो भाई भतीजे ही आते थे, उन्हीं की इंतज़ार रहता था कि हमारे भैया आएंगे, मेरी भाभी आएंगी और मेरा घर भरेगा, तो मेरे मायके वाले आएंगे, उन्हीं से मन में लगाना पड़ता कि नहीं मेरे घर वाले आएंगे। तो ऐसा तो नहीं था कि माँ नहीं आती थी तो मतलब हमारा मन नहीं होता था कि हमारे मायके से कोई नहीं आया, ये तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हम मतलब इस बात के वो नहीं है कि माँ नहीं है तो मतलब मायका नहीं है। माँ मानते हैं कि माँ एक ऐसी चीज़ है कि वो देखो, वो भाइयों की भी तो नहीं है, अगर मेरे नहीं है तो भाइयों के लिए भी तो नहीं है ना, उनके लिए भी तो दूर से ही भाभी कहीं से आती है, उनसे भी पटा के ही रखनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तभी दोनों साथ में रहते हैं। उसी तरह से जब हम किसी दूसरे के घर जाते हैं, उनके घर वालों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और उनके साथ हम रह लेते हैं आपस में बना के, तो भाई से भाभी से क्यों नहीं बना के रख सकते। और ये बात भाई भाभियों पे भी निर्भर है कि वो भी मतलब बहनों से बना के रखें और आपस में, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, इनका कुछ अलग मजा होता है। जब भी मिले तो एक अलग सी खुशी होती है, अंदर से उछाल आती है, मन में उमंग आती है कि हमारा कोई है। जब आप ये चीज़ें हमें तब समझ में आती हैं जब मेरा ससुराल बहुत दूर हो और बहुत दिनों बाद हमारे मायके से कोई आए, तो एकदम देख के मन एकदम वो हो जाता है कि अरे यार मेरे मायके से कोई आता आया है, इतना मन एकदम बौखला जाता है, खुशी से एकदम पागल हो जाते हैं हम। तो तब हमें कीमत पता चलती है कि हमारा मायका क्या होता है, हमारे भाई क्या होते हैं, हमारे घर वाले क्या होते हैं। और इस तरह से एकदम फटाक से बोल देना कि माँ नहीं तो मायका नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जाना आना तो दुनिया में लगा रहता है, किस उम्र में कब कौन चला जाता है कुछ नहीं पता है, और जीना पड़ता है, सबको जीना पड़ता है। इसलिए
हर मौके पे, हर त्यौहार पे आप अपने घर वालों को याद कीजिए, अपने भाइयों को याद कीजिए, वो भी आपको याद करें। लेकिन कोशिश हमारी तरफ से होनी चाहिए कि हम हमेशा उनको याद करें, जिससे कि कभी भी मेरे घर में कुछ भी हो तो मुझे कमी ना महसूस हो कि आज मेरी माँ नहीं है तो मेरे घर से मेरा भाई नहीं आया, मेरी भाभी नहीं आई। अरे आप ऐसा व्यवहार बना के चलिए, आप ऐसे साथ में कॉम्प्रोमाइज करिए आपस में कि जब एक ससुराल नई जगह जाकर हम पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं लड़के झगड़ के पति के साथ में, तो भाई के साथ में क्यों नहीं? अरे लड़िए, फिर उसके बाद एक हो जाइए, फट से फ़ोन करिए, फट से बात करिए और फिर एक हो जाइए, उसमें क्या है? लेकिन ये कह देना उचित नहीं है बिल्कुल कि माँ नहीं है तो मायका नहीं है। तो इसलिए मैं बोल पाई क्योंकि मेरी माँ नहीं है और मेरा मायका है, मेरे चार भाई हैं, मेरे भाभी लोग हैं और मैं हर त्यौहार में आपस से बात करती हूँ। अगर नहीं जा पाती हूँ, यानी कि आप सोचिए कि रोज ही मैं बात करती हूँ और हमें बहुत अच्छा लगता है और मुझे अभी तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे मायका नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि मायके को जिंदा रखिए, माँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, भाइयों से पटाके चलिए, भौजाई से।